सो वेलकम बैक टू माई वीडियो। आज की वीडियो हम लोग स्नाइपर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन लेके आ गया हूँ। तो भाई आप लोग को ये वीडियो एंड तक वॉच करना, तभी आप लोग अपने स्नाइपर से कम रिकॉइल होगी, ज़्यादा ज़्यादा बॉडी शॉट हेड शॉट लगेंगे, आपका स्नाइपर स्किल एकदम इंप्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्नाइपर गन से रिकॉइल को हटाने के लिए आपको पहले अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, जो मैं बताऊँगा आपको वही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रखना जिससे आपका रिकॉइल कम हो जाएगा और आपका हेड शॉट और बॉडी शॉट रेट बढ़ेगा। तो जैसा जैसा मैं कॉम्बिनेशन बताऊँगा आपको सेम कॉम्बिनेशन रखना है। तो स्नाइपिंग करने के लिए ये तीन एबिलिटी का यूज़ करता हूँ मैं, जिससे कि मेरा स्नाइपिंग में बहुत ज़्यादा ही हेल्प होता है। रिकॉइल कम और हेडशॉट ज़्यादा लगता है, और डीबी से मेरा रिकॉइल कम हो जाता है, लॉरा से मेरा एक्यूरेसी बढ़ जाता है, और राफेल से मेरे को साइलेंसर मिलता है अनलिमिटेड। तो भाई मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बंदे को पता भी लगता है और मैं उसको मार के चले जाता हूँ। तो आपको सेम यही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रखना है अपने गेम के लिए, ठीक है। तो स्नाइपर जाने के लिए आपका सबसे मेन सेटिंग होता है सेंसिटिविटी कितना रहना चाहिए। तो मेरा सेंसिटिविटी है 23, क्योंकि 23 सेंसिटिविटी भी भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा हेडशॉट लगता है, बॉडी शॉट लगता है, और रिकॉइल बहुत कम खाती है मेरी AWM। मैं कोई भी स्नाइपर चला लूँ तो रिकॉइल बहुत कम होता है उससे। तो आप लोग भी अपना सेंसिटिविटी को 23 रख लेना AWM का, जिससे कि आपका भी रिकॉइल और हेडशॉट ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग भी सेम सेटिंग अप्लाई करो, और उसके बाद अगर आपको फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके बता देना। तो कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।